मनोहरलाल जी, हरियाणा वो पहला राज्य था जिसने इस बीमारी को तुरंत इसकी गंभीरता को समझते हुए पैंडेमिक घोषित कर दिया था, और तब से हमने देखा कि काफी हद तक हरियाणा में इसका प्रभाव से फर्स्ट वेव की अगर मैं बात करूं तो नहीं था, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए कुछ हिस्सों को छोड़कर, दिल्ली से सटे कुछ इलाकों को छोड़कर, लेकिन सेकेंड वेव में यह सभी के लिए चुनौती बन गया, पूरे देश के लिए चुनौती बन गया और खासतौर से ग्रामीण अंचल में प्रवेश कर गया। यहां पर अपने आप में किसी भी सरकार के लिए और किसी भी बड़े से बड़े ढांचे के लिए यह गंभीर हो जाता है कि एकदम से आई ऐसी परिस्थिति से हम कैसे निपटें। वहां पर आप लोगों ने जो कोशिश की उसको किस तरीके से आप धरातल तक ले गए? अतुल जी, देखिए, पहली जब वेव थी तो हमको इसका कोई बहुत अनुभव नहीं था, एकदम सब नई बातें थी हमारे लिए भी, बाकी सबके लिए भी, लेकिन वो जो अनुभव है, धीरे धीरे हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया। पहली वेव भले उस सीमा तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन उसके अंदर हमें अनुभव पर्याप्त हुए और उन पर्याप्त अनुभवों के कारण से दूसरी वेव तेजी से बढ़ी। तेजी से बढ़ने के बाद भी हमने उसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करने में हमको सफलता मिली, जो डेढ़ महीने में, दो महीने में, यानी मार्च से शुरू होकर के और 12 मई तक एकदम स्टीप 5 times देन फर्स्ट वेव बहुत आगे बढ़ गए। फिर हमने उस सारी चीजों का लाभ जो उठाया है पिछले अनुभवों का, हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई, ऑक्सीजन का जो संकट आया उसको हमने ठीक किया, हमने होम आइसोलेशन के जो कार्यक्रम वो शुरू किए, घरों में लोगों को कहा कि वो घर में रहें, अस्पताल में सबको आने की आवश्यकता नहीं है, घर घर हमने आइसोलेशन किट्स पहुंचाए, हमारे जो डॉक्टर्स ने टेली मेडिसिन के माध्यम से और उन लोगों को जानकारियां दी, उनका जो इलाज है वो संभव हो पाया। तो ये सारी बातें करते हुए और हम लोग जो है उसको कंट्रोल में रख पाए। ये ठीक है कि आसपास की स्टेट्स का भी एक असर होता है, और हम चूंकि उत्तर भारत में, चाहे दिल्ली है, चाहे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन प्रांतों का भी असर कहीं ना कहीं जरूर आसपास होता है, क्योंकि कोरोना की कोई सीमाएं नहीं है। बिल्कुल, पिछली बार दिल्ली में बढ़ा था तो दिल्ली के आसपास के जिलों में हमारे भी बहुत देखने को मिला। इस बार चूंकि दिल्ली में भी बढ़ा और साथ में चंडीगढ़ है, पंजाब है, उसका प्रभाव हमारे उत्तरी हरियाणा के जिलों पर भी पड़ा था, लेकिन अब हमने सब तरफ कंट्रोल किया है, हमारा प्रदेश भी कंट्रोल में आया है, बाकी भी प्रदेशों ने कंट्रोल में किया है, इसलिए हमको उसकी राहत मिली है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकल जाएंगे।